वही छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने पंडरी स्थित खालसा स्कूल के सामने डीसीवी बैंक का उद्घाटन फीता काट और दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर महासचिव होरा ने बैंक की कार्यप्रणाली की सराहना की। डीसीबी बैंक का उद्घाटन छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने बैंक कर्मियों की मौजूदगी में फीता काट कर किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि देवेंद्र नगर में डीसीबी बैंक संचालित था, अब इस बैंक को पंडरी स्थित खालसा स्कूल के सामने शिफ्ट किया गया है। उन्होंने इसके लिए सभी बैंक कर्मियों को बधाई दी। बैंक के ब्रांच हेड दुर्गा प्रसाद रथ ने बताया कि बैंक की एक शाखा राज्य सरकार के सहयोग से सुकमा जिले के कुंदनपार में खोला गया है। इस मौके पर व्यवसायिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष महेंद्र धड़ीवाल, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू अम्बेडारे विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर होरा ने बैंक शाखा का अवलोकन कर बैंक के कार्यों की सराहना की। डीसीबी बैंक गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में अपनी ब्रांचों का विस्तार कर रहा है। ये ब्रांच तो बहुत पुराना है, देवेंद्र नगर में था, नया स्वरूप में, नए क्लेवर में। ये जो इंदौर का एवी रोड बोला जाता है, इस रोड पर इन्होंने प्रारंभ किया है। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारिक संस्थान, आपके कपड़ा मार्केट बहुत पास में है, बहुत सारे व्यापारिक संस्थान हैं। और ये जो परिसर है, ये हमारे मित्र सिराज भाई जो बी मोहनुद्दीन के नाम पे एक पुरानी ब्रांच गोदरेज की इस शहर में स्थापित प्रतिष्ठित घराने में स्थापित हुई है। और निस्संदेह रूप से ये बहुत प्राइम लोकेशन में बैंक प्रारंभ हुआ है और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति की मैं कामना करता हूँ। देखिए, डीसीबी बैंक एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इंडिया में 400 ब्रांच है। आज हमने रायपुर का नया प्रीमाइसेस जो है गुरुचरण सिंह जी के आतिथ्य में हमने ओपन किया है, तो आगे प्लान वही रहेगा। हमारा नेबरहुड बैंकिंग के लिए, मैंने बताया कुछ देर पहले, नेबरहुड बैंकिंग के लिए हम लोग फेमस है। आसपास के जितने भी ये 5-7-10 किलोमीटर तक सारे लोन की सुविधा है और सारे सेविंग्स बैंक, करंट अकाउंट, FD, गोल्ड लोन, ट्रैक्टर लोन, ये सारे सुविधाएं उपलब्ध होंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का 13वां ब्रांच है, 13th ब्रांच है। हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी मिलके, उन्होंने जो हमें दिया था प्लान, उसी हिसाब से हमने एक कुंदनपाल करके गांव है जहाँ पे एक ब्रांच ओपन, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक ब्रांच ओपन किया कुछ 2 हफ्ते पहले। तो यही प्लान है, आपके शुभकामना हमारे साथ रहे।